खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कलम एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े तानाशाहों और बादशाहों का तख्त हिलाने की कुव्वत रखती है, लेकिन कलम से कोई इतना क्यों डरेगा? कलम तो कलम ही है, उससे डरने की क्या ज़रूरत? दरअसल कलम में स्याही भरी जाती है, स्याही और कलम के मेल से एक अपनी अपने अल्फाज को कागज पर उकेरा जाता है, तब एक शोला दहकने लगता है जिसकी लपट में बादशाहों के तख्त में आग लग जाती है, और इसी आग को दबाने के लिए कलम पर पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। लेकिन 21वीं सदी में कलम की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर प्रेस ने लोकतंत्र का चौथा पाया होना कबूल किया। वक्त वक्त पर सरकार से सवाल होने लगे, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब हुकूमत के पास होता है, लेकिन जवाब देने में हुकूमत के हाथ पांव कांपने फूलने लगते हैं। इसलिए अब तमाम सवालों से बचने के लिए लोकतंत्र के चौथे पाए पर हमला करने का मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर और भारत समाचार की, जिनके दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ने रेड की है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। आज के दौर में चमचमाते स्टूडियो में भाई लोग और माई लोगों का जलवा सातवें आसमान पर कायम है। रोज दंगल से लेकर ताल ठोकने और ललकारने वाले स्लोगन से अपने आकाओं को खुश करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन मजाल है कि एक सवाल भी अपने आका की शान में बर्दाश्त कर सके। ऐसे दौर में सत्ता से चुभते सवाल करना बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है, यानी दिन रात तारीफों का झुंझुना बजाते रहने से जिल्ले इलाही बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर सवाल पूछा तो आपका हाल दैनिक भास्कर और भारत समाचार जैसा होगा। दरअसल मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर और भारत समाचार चैनल के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद पत्रकारिता जगत में हंगामा मच गया है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट हो चुका है, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने इसे मीडिया को डराने का प्रयास करार दिया है। इस मामले की गूंज सोशल मीडिया पर भी सुनाई दे रही है, जहां तमाम बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे मीडिया को डराने की कोशिश करार दिया है और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उनका संदेश साफ है, जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे बख्शेंगे नहीं। केजरीवाल ने कहा कि ऐसी सोच बेहद खतरनाक है, सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये छापे तुरंत बंद किए जाएं और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने इसे मोदी शाह के आयकर विभाग का छापा करार देते हुए कहा कि इतना ही डरते हो तो कुर्सी पर क्यों बैठे हो। दैनिक भास्कर के बाद उत्तर प्रदेश के बेखौफ न्यूज चैनल भारत समाचार पर भी मोदी शाह के आयकर विभाग का छापा, इतना ही डरते हो तो कुर्सी पर बैठे क्यों। कांग्रेसी राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस छापेमारी को केंद्र द्वारा मीडिया को दबाने की कोशिश बताया है। दैनिक भास्कर अखबार और भारत समाचार न्यूज चैनल के कार्यालयों पर इनकम टैक्स का छापा मीडिया को दबाने का एक प्रयास है। मोदी सरकार अपनी रत्ती भर आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये भाजपा की फांसीवादी मानसिकता है जो लोकतंत्र में सच्चाई का आईना देखना भी पसंद नहीं करती है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ कहते हैं कि मोदी सरकार में प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का, सच को रोकने का काम शुरू से ही किया जा रहा है। अभी पेगासस जासूसी मामले में भी कई मीडिया संस्थान और उससे जुड़े लोग बड़ी संख्या में निशाने पर रहे हैं, और अब सरकार के निरंतर पोल खोल रहे, सच को देश भर में निर्भिकता से उजागर कर रहे दैनिक भास्कर मीडिया समूह को दबाने का काम शुरू हो गया है। अपने विरोधियों को दबाने के लिए, सच को सामने आने से रोकने के लिए ईडी, आईटी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग ये सरकार शुरू से ही करती आ रही है, और ये काम आज भी जारी है। राष्ट्रीय जनता दल ने छापेमारी की निंदा करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की सच्चाई और नाकामियां दिखाने के लिए दैनिक भास्कर अखबार के कई पर इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है। सत्ता शीर्ष पर बैठे तानाशाह अंदर से बहुत डरपोक हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक भास्कर के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्यवाही की हम निंदा करते हैं।
राज्य और केंद्र सरकार की सच्चाई और नाकामियां दिखाने के लिए दैनिक भास्कर अखबार के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है। सत्ता शीर्ष पर बैठे तानाशाह अंदर से बहुत डरपोक हैं, वो सच से बहुत डरते हैं। दैनिक भास्कर के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्यवाही की हम निंदा करते हैं, जय हिंद। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता ने इस छापेमारी को लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करते हुए कहा कि पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। दैनिक भास्कर की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की इस प्रतिशोधात्मक कार्यवाही की निंदा करती हूं, जो कि सत्य को दबाने की एक कोशिश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के आरोप में मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर और भारत समाचार न्यूज चैनल के कई शहरों में स्थित दफ्तरों पर गुरुवार को रेड डाली है। छापेमारी की यह कार्यवाही ऐसे समय में हो रही है जब एक तरफ सरकार पेगासस मामले को लेकर घिरती जा रही है, वहीं विपक्ष पेगासस को लेकर सरकार का घेराव कर रही है। मीडिया समूहों पर हुई छापेमारी ने उनके तेवरों को और तल्ख कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश का बेबाक और बेखौफ न्यूज चैनल भारत समाचार के दफ्तर पर भी रेड डाली गई है। भारत समाचार की पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि भारत समाचार के संपादक ब्रजेश मिश्रा के घर पर रेड डाली गई है। प्रज्ञा ने अपने ट्वीट के माध्यम से ब्रजेश मिश्रा का संदेश जारी किया, जिसमें ब्रजेश कहते हैं, जब जब जहां जहां सच होगा जमीन फाड़ के निकल आएगा, किसी के दबाने से डराने से सच का स्वरूप बदल नहीं जाता, सत्यमेव जयते। अपने एक और ट्वीट में प्रज्ञा ने लिखा कि राज्य सरकारें ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर शुतुरमुर्ग बन गई हैं, केंद्र कुछ जानता नहीं है, दिन रात फोन और ट्विटर पर मदद मांगने वाले इतने बड़े सरकारी झूठ पर खामोश हैं। अब मैं भी कहती हूं, मेरी केंद्र सरकार बिल्कुल ठीक है, कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, समाज पहले से मुर्दा ही था। वहीं तमाम छापेमारी से बेखौफ दैनिक भास्कर ने लिखा है, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं, भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी। दैनिक भास्कर ने आगे ये भी लिखा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के सामने सरकारी खामियों की असल तस्वीर रखने वाले दैनिक भास्कर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली है। भास्कर समूह के कई दफ्तरों पर गुरुवार तड़के इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। विभाग की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दफ्तरों पर पहुंची है और कार्यवाही जारी है। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है, आईटी टीम ने भास्कर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी रेड की है। दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। नाइट शिफ्ट के लोगों को भी दफ्तर से बाहर जाने से रोक दिया गया है। रेड में शामिल अधिकारियों का कहना है कि वो इनके प्रोसेस का हिस्सा है और पंचनामा होने के बाद इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिजिटल की नाइट टीम दोपहर 12:30 बजे रिलीज की गई। भास्कर ने इस कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि भोपाल और अहमदाबाद समेत जहां जहां छापेमारी हुई है, वहां भास्कर के डिजिटल विंग में कई महिला कर्मचारी भी काम पर मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आईटी टीम में कोई भी महिला मेंबर नहीं है। टीम के आला अधिकारियों ने अब तक इस कार्यवाही का कोई कारण साफ नहीं किया है। भास्कर ने आगे लिखा, हमारी पत्रकारिता से क्यों डर रही है सरकार, बस कुछ नजीर देख लीजिए। दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ देश के सामने रखा है। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का खेल, भास्कर ने निडर पत्रकारिता दिखाई और जनता के सामने सच ही रखा। हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल हो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल हो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत, जय हिंद।